ओके, अमेजिंग अमेजिंग, सुपर सुपर। सो बेसिकली अभी हमने देखा कि पूरा एसईओ के बारे में जो डिटेलिंग यहाँ पे हर्ष जी ने दी बहुत ही बेहतरीन वे से। अब थोड़े सवाल है ऑडियंस के जो वो हम लोग एक एक करके यहाँ पे लेंगे विथ योर ड्यू परमिशन। तो आर वी रेडी विद दिस फॉर दिस हाँ हर्ष हाँ जी? श्योर श्योर कैरी श्योर, ऑन। सुपर अमेजिंग। तो बेसिकली पहले हाँ हमारे बिल्कुल पास कुछ 10-15 सवाल आए थे, लेकिन जैसे ही हमने मार्केट के अंदर डाला कि हर्ष महाजन आ रहे हैं इस वीडियो के ऊपर, तो आप ऐसा समझ लिए क्वेश्चन की बाहर आ गई हमारे पास। बोलते रहे कि आप आए बाहर आए, वैसी बात है। सो उसी के लिए थोड़े क्वेश्चन ऐसा था कि पहला सवाल ऐसा आया था कि व्हाट आर द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी, कि अगर आपको विजिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो। जैसे आपने जवाब दे दिया, लेकिन शॉर्ट अगर इसके ऊपर भी आप बता सके तो। देखो, विजिबिलिटी एक शब्द है, एक बहुत वेग है, मतलब एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है कि विजिबिलिटी में और इम्प्रूव करनी है। विजिबिलिटी कुछ नहीं होती है, आपको जो है, आपको आइडियली जब आप चाह रहे हो देखना, आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा हो, पेज व्यू ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो अवेयरनेस स्टेज पे है, लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, और आपकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो, मतलब आपकी पोजिशन भी अच्छी हो। तो उसका तरीका यही है कि आप बायर जर्नी पकड़िए अपनी, आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को उस बायर जर्नी के हिसाब से मैप करिए। अब बहुत एक कॉमन सा मिथ ये, मैं इसको हम इसको और इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली जो ई कॉमर्स स्टोर होता है ना, उसमें हम कहते हैं दो टाइप के पेजेस होते हैं। एक तो होता है इन्फॉर्मेशनल पेज, जो कि आपका अबाउट अस कंपनी पेज होगा या ब्लॉग पोस्ट हो गई। दूसरा होता है मेरा मनी पेज, जहाँ से मेरा पैसा आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट पेज, ठीक है। प्रोडक्ट पेज कैटेगरी पेज। तो जब आपको विजिबिलिटी इंप्रूव करनी है ई कॉमर्स स्टोर के स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो आप सबसे पहले अपने होम पेज को ऑप्टिमाइज करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्टमर आपके वहीं आएंगे सर्च के हिसाब से आते हैं। उसके बाद आप अपना जो आपका कैटेगरी पेजेस हैं, आप उसको पिक करिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपैरल सेलर हैं, वुमेन अपैरल हैं, तो आप सबसे पहले उसमें अपने होम पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। फिर अपैरल्स में आप बोलेंगे कि भैया ये लेडीज के अपैरल्स हैं, मेन्स अपैरल्स हैं, किड्स अपैरल्स हैं, तो वो आपकी कैटेगरी पेज हो गए, लेडी वुमेन अपैरल, मेन्स अपैरल, किड्स अपैरल। ठीक फिर है, सब कैटेगरी पेजेस हो गए कि भैया मेंस में भी साइज है, या जो भी आपका अगर कैटेगरी स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद आपके प्रोडक्ट पेज होते हैं, जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, विजिबिलिटी आपको इम्प्रूव करनी होती है। सो स्टार्ट फ्रॉम होम पेज, देन कैटेगरी पेज, देन सब कैटेगरी पेज, देन प्रोडक्ट पेज। अब दूसरा एक और कॉमन क्वेश्चन या प्रॉब्लम होती है कि भैया मेरे पास तो 2000 प्रोडक्ट है, हाँ बजट मेरे पास है नहीं, तो करेक्ट। मैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे करूँ? तो उसका उसका अगेन तरीका ये है कि आप कॉम पहले 3 स्टेप बिल्कुल कॉमन है, होम पेज, कैटेगरी पेज, सब कैटेगरी पेज। उसके बाद आप अपने पहले पिक करो 20 हीरो प्रोडक्ट, मतलब हीरो ओके, प्रोडक्ट वो कि जो चलते रोज रहेंगे बिकते हैं, रोज बिकते हैं, आपको सबसे ज्यादा सेल देते हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिकली भी, पेड भी, वो डिसीजन में। ऑर्गेनिकली भी, पेड भी, ऑफलाइन भी, इवन अच्छा ऑफलाइन भी, आपको पता है वो प्रोडक्ट बिकता है। तो आप वो 20 अपने हीरो प्रोडक्ट लो, उसके ऊपर काम करो, इमेजेस के। अब प्रोडक्ट पेज का आपको पता ही है, जैसे फ्रिश की ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी इमेजेस बहुत अच्छे से बहुत हो, ज्यादा। इमेज ऑल टेक्स्ट टैग हो उसके, उसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, डिटेल्ड, जितना आप उस प्रोडक्ट को रिफाइंड डिटेल्ड में बता सकते हैं इमेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, आप उतना डिटेल्ड उस पेज को, 20 उन 20 प्रोडक्ट में आप मेहनत करिए। आप 2000 प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, आपके 20 प्रोडक्ट आपको पैसा कमा के देंगे। फिर आप 20 से 30 पे जाइए, 30 से 40 पे जाइए, 40 से 100 में जाइए, अदरवाइज आप कभी भी ई कॉमर्स स्टोर को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। करेक्ट, सुपर। सो इसी से मेरा एक और सवाल आता है कि जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट आपको 1 से 20 सुपर हीरो जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, तो हम लोग जो यहाँ पे वर्ड ऑप्टिमाइज यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा अगर आसानी से समझा सको, राइट, अपने ऑडियंस को, तो कैसे समझाएंगे हम? ऑप्टिमाइज जब हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेज की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपका टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्रांड नेम उसमें आपका जो ब्रांड नेम है वो हो, प्रोडक्ट क्या क्या करता है, प्रोडक्ट का नाम हो, प्रोडक्ट क्या करता है, क्या फीचर्स हैं, अगर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं 100 कैरेक्टर्स में, 150 कैरेक्टर्स में, आपको वो करना चाहिए। अमेजोन में भी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस यही होती है। दूसरा है आपके इमेजेस, वाइड जनरली प्रेफरेंस होती है वाइड इमेजेस की हो, फास्टर लोड होती हैं, इजी टू यूज होती है ऑन मोबाइल डिवाइसेस, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हो, प्रोडक्ट इमेजेस हो, इन्फोग्राफिक इमेजेस हो, मतलब कि जिसमें प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, यूज केसेस पता चल रहे हो, और क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा डिटेल भी पढ़े, पढ़ तो सके। एटलीस्ट आप इमेज में ये बता सकते हैं उसमें वारंटी कितनी है, हाँ, क्योंकि ये कितने कहा यूज जाता करना है है। कि इमेज स्पीक 60% मोर देन द वर्ड्स, हाँ, राइट? तो आपकी अगर इमेज हाई रेजोल्यूशन की है, वाइट बैकग्राउंड की है, क्लियर शॉट्स है प्रोडक्ट के, तो वो ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है। ओके, दूसरा
तीसरा इम्पोर्टेंट है कि आपकी करेक्ट एमआरपी डली हो, करेक्ट प्राइस डली हो, क्योंकि अगर आपको आपको पता था प्राइस, अगर आपने प्राइस ही नहीं ठीक करी तो भी तो कस्टमर चला जाएगा ना, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन है। तीसरा या चौथा जो हम बोलते हैं कि जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मतलब की फीचर्स जो हैं वो प्रोडक्ट के एकदम हाईलाइटेड होने चाहिए। अमेजोन में भी सेम है, आपके पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं वेयर आप चार पांच बुलेट पॉइंट्स होता है, पांच बुलेट पॉइंट्स को कर रहे हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद उसका बाकी का जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, अगर आप अपनी साइट पे हैं तो आप चाहते हैं कि वो आप उसमें क्रॉस सेल वाले प्रोडक्ट्स भी डालिए, रेगुलरली बाय प्रोडक्ट्स भी डालिए, वो भी आप डालिए। आप अमेजोन पे तो आप चाहते हैं कि आप उसमें और सर्च कीवर्ड्स और मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करिए। तो ये हमारा ऑप्टिमाइजेशन का कहने का मतलब देसी भाषा में ही है। ओके, सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपको हर एक चीज, जो जो फैक्टर्स होते हैं, टाइटल हो गए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गए, इन सभी को आपको करना चाहिए। और एक सवाल इसमें ऐसा था कि ऑप्टिमाइजेशन कितने टाइम, और एक चीज और है, आप जो अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो इमेजेस का आपका इमेज ऑल टेक्स्ट होता है और वीडियो का ऑल टेक्स्ट होता है, जहाँ पे आप बताते हैं सर्च इंजन को कि ये इमेज इस बारे में है। पेज के बारे में तो मेरा एचटीएमएल वेब पेज बताता है, इमेजेस के बारे में वो टैग बताता है गूगल पे, और वो आपको रिवर्स इमेज सर्च में भी हेल्प करता है। तो आप अपनी इमेजेस के मेक श्योर कि आप नाम करेक्ट डालें और उसके ऑल टेक्स्ट, इमेज ऑल टेक्स्ट तक जरूर डालें, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन इमेज ऑल टेक्स्ट, फिर आपका जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपने जो ये मेटा टैग कहा, ये सब जो किया, जो बहुत ही टर्मिनोलॉजी है का हो जाती है अपने डिजिटल लेवल पे, तो अगर मैं कॉमन से आपसे पूछना चाहूँ कि इन सभी चीज़ों के लिए हमें कोई एक्सपर्ट को ही हायर करना पड़ेगा कि एक नॉर्मल इंसान के, अगर जैसे कि मैं आज अपना एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए आई एम ऑल्सो नाउ डेज थोड़ा सा मैं टेक के तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर समझिए मैं एकदम ऐसा सरफिला इंसान हूँ जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है टेक के बारे में, तो क्या मैं ये सब डिटेल में सीख सकता हूँ आफ्टर बीइंग सो मेनी इयर्स, मेरा कहना ही है? Obviously, आई थिंक जो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स हैं जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या नहीं करते, वो तो आप कर सकते हैं, मतलब एक चेकलिस्ट की तरीके से है कि ऑन पेज जो एसईओ या टेक्निकल एसईओ है कि आपका मेटा टाइटल हो, मतलब गूगल को पता हो कि आपका पेज किस बारे में है, मेटा टाइटल जो आप सर्च में देखते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्रिप्शन बताता है 160 करेक्टर्स में गूगल को आपके बारे में, उसमें आप लोकेशन डालेंगे तो आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है लोकल पैक पे, तो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन इमेजेस के बारे में पेज के बारे में आप बेसिक चेकलिस्ट भी मेंटेन करेंगे तो आप खुद कर सकते हैं। आपको बहुत एक्सपर्ट की जरूरत तब है व्हेन यू रियली वांट टू, यू हैव डिसेंट बजट्स, यू हैव अ ह्यूज वेबसाइट, देन यू वांट यू नो समवन एल्स टू मैनेज इट। अगर छोटा ही 5-10 पेज की वेबसाइट है, 20 पेज की वेबसाइट है, तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं, आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। सुपर अमेजिंग। सो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो वीडियो, जो पूरा वीडियो अब चल रहा है ना, कितना हर्ष जी की तरफ से हमें पूरा नॉलेज है, और ई कॉमर्स की तो आदत है, ई कॉमर्स की पाठशाला की पूरे की पूरी नॉलेज हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हर्ष जी, कि एक सवाल हमारे पास आया है कि हाउ टू कलेक्ट द एसईओ डेटा, एसईओ का जो डेटा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? सर, एसईओ डेटा कलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका, या जिसे हम बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल होता है, गूगल सर्च कंसोल में आप जाके अपनी वेबसाइट अपने डोमेन को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद गूगल जो है ऑटोमेटिकली आपका डेटा कलेक्ट करना शुरू करता है और आपको गूगल सर्च कंसोल में दिखना शुरू हो जाता है। सो नो नीड फॉर एनी पेड टूल, गूगल सर्च कंसोल इज फ्री एंड इज मोर देन सफिशिएंट इवन फॉर अ यू नो 100 करोड़ रुपी बिजनेस टू मैनेज देयर ओन डेटा। इज इट सो, यानी आप फ्री के अंदर पूरा का पूरा एसईओ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ डेटा है गूगल सर्च कंसोल, पहले गूगल वेब मास्टर, पहले गूगल वेब मास्टर होता था, गूगल सर्च कंसोल कहते हैं उसको। आपको अपनी वेबसाइट के लिए सिर्फ दो ही मेन चीजों की जरूरत है, गूगल एनालिटिक्स की, गूगल सर्च कंसोल की। आपको आधा डेटा गूगल एनालिटिक्स में मिल जाता है, जहाँ पे आपको कस्टमर का जर्नी पता चलती है, और प्रॉपर एसईओ का डेटा आपको गूगल सर्च कंसोल में पता चल जाता है। इवन जो अब हम टेक्निकल एसईओ की बात कर रहे थे कि गूगल के वो बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए, वो अब गूगल ने वो भी सब उसमें शो करने शुरू कर दिए, जिसे हम कोर वेब वाइटल्स बोलते हैं, गूगल कोर वेब वाइटल्स, पेज एक्सपीरियंस। गूगल आपको सब बताता है कि आपका कौन सा पेज क्रॉल हो रहा है, नहीं हो रहा, किस में स्पीड इशू है, किस में मोबाइल रिस्पॉन्सिव इशू है, सब कुछ गूगल आपको उस पूरी की पूरे फ्री टूल में बताता है। सो यू डोंट नीड टू कलेक्ट एनी और यूज एनी थर्ड पार्टी टूल फॉर अ स्मॉल बिजनेस, अनलेस एंड टिल यू आर अ एजेंसी और आपको कुछ और एडवांस चाहिए, जैसे कि हम यूज़ करते हैं कुछ टूल्स को, बट क्योंकि हम और भी बिजनेसेस को मैनेज करते हैं, अदरवाइज सिंगल बिजनेस के लिए यू डोंट नीड एनी अदर पेड टूल, और माइट बी पॉसिबल ये कॉस्टली भी बहुत ज्यादा पड़ता होगा।
कॉस्टली भी है बट अगेन वो रिक्वायरमेंट भी आपकी नहीं होगी। गूगल सर्च कंसोल आपके बिजनेस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको सेकेंड वे में कुछ और पेड फ्री टूल चाहिए तो बिंग का वेब मास्टर जो है इस वक्त जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। किसका वेब मास्टर, कैन यू प्लीज रिपीट इट वंस अगेन? बिंग, माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च, बिंग सर्च इंजन जो है बिंग का वेब मास्टर है। अगेन दैट ऑल्सो गिव्स यू वन क्लिक इंटीग्रेशन फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल टू बिंग। ओके, आपको उसमें कुछ ऐसे SEO फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको माइक्रोसॉफ्ट गूगल सर्च कंसोल में नहीं है बट बिंग में है। Okay. तो वो अगेन जैसे फ्री साइट ऑडिट है समथिंग है, वो अगेन मोर देन सफिशिएंट है। सो एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर आई मे नॉट हैव टाइम टू यू नो यूज सो मेनी टूल्स। करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि गूगल सर्च कंसोल यूज कर लो। आपको ज्यादा खुजली हो रही है तो आप बिंग भी यूज कर लो। करेक्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है आपको जरूरत। ओके ओके, सुपर सुपर। सो हमेशा देखिए दिल्ली वालों को आप कभी भी सेशन में लेके आओ ना तो आपको बहुत अच्छा सीखने मिलता है। सो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता पूछना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि डज SEO यूजफुल ओनली फॉर द पर्सनल वेबसाइट होल्डर्स और एनी ऑफ द मार्केट प्लेस ऑल्सो इट्स बीन यूजफुल? क्या ये खाली पर्सनल वेबसाइट के लिए है कि दूसरे मार्केट पे Amazon, Flipkart उधर भी जरूरत पड़ सकती है? SEO हर जगह है। आप जब Amazon पे चले जाते हो तो आपके पास कुछ कैपेबिलिटीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जब आप Amazon या Shopify पे जाते हो, क्योंकि जो सब सारा दो ये यूज होते हैं, वहाँ पे आपके पास टेक्निकल SEO कैपेबिलिटी नहीं होती। Okay. वो सारा काम आपके लिए प्लेटफॉर्म कर रहा है, Amazon कर रहा है या Shopify कर रहा है। तो वहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस करना है, ऑन पेज पे, ऑफ पेज पे। ओके, करेक्ट। तो वहाँ पे आपका ऑन पेज क्या है? प्रोडक्ट पेज का डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले डिस्कस किया। करेक्ट, पेज भी हम पहले डिस्कस कर चुके, रिलेशनशिप बिल्डिंग जैसा है। आप अब आप ये आपके ऊपर है कि आप Amazon के पेज के ऊपर लिंक्स बिल्ड करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट के ऊपर बिल्ड करना चाहते हैं। मैं अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा मैं अपनी वेबसाइट पे लिंक्स बिल्ड करूंगा। इनडायरेक्टली वो मेरे प्रोडक्ट पेज को ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा, क्योंकि सेम ब्रांड है, सेम पेज होगा। अगर मैं वहाँ पे भी सेल कर रहा हूँ तो वहाँ पे लिंक करूंगा। ज्यादा मेरे को लग रहा है तो मैं वहाँ पे एक Amazon का पेज URL भी दे सकता हूँ। एज अ बिजनेस ओनर इट इज ऑलवेज सजेस्टेड, एज अ डिजिटल मार्केटर इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप SEO अपनी वेबसाइट पे ज्यादा फोकस करिए, ऑन पेज आप Amazon पे फोकस करिए, ऑन पेज ऑफ पेज आप Shopify पे फोकस करिए। ओके, सो आपने कहा ऑफ पेज जो है वो सब Amazon पे करना है फॉर एन एग्जांपल, और ऑन पेज है वो Shopify। ऑन पेज Amazon पे है, ऑन पेज SEO ही होता है Amazon पे। Amazon पे ऑफ पेज SEO जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका डोमेन नहीं है तो आपको वैसे भी आप लिंक्स बिल्ड करना नहीं चाहेंगे। Shopify क्योंकि आपका ही डोमेन है, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे आप ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। यानी Amazon पे सिर्फ ऑन पेज होगा और बाकी Shopify पे आपको टेक्निकली ऑफ पेज और ऑन पेज कर सकते हैं, क्योंकि Amazon पे आप करोगे अभी तो इट कैन हेल्प यू, बट बेटर है आप अपनी वेबसाइट पे उतनी मेहनत करो ना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेंड तो हो ही रहे हैं, जब भी हम लोग ऑफलाइन या करेंगे तो वो Amazon पे डेटा ट्रैफिक जा रहा है, हमारे खुद पे नहीं आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अगर मैं इसे और एक्सप्लेन करूं तो रिलेशनशिप बिल्डिंग जब बैकलिंक्स क्रिएट होते हैं तो फिर एक प्रॉपर बैकलिंक आउटरीच कैंपेन होता है। मतलब आप 100 लोगों, 100 ब्लॉगर्स को, 100 इन्फ्लुएंसर्स को, 100 और अदर वेबसाइट्स को बोलते हैं कि आप यू नो मैंने एक अच्छा कंटेंट लिखा है, एक अच्छा प्रोडक्ट सर्विस है, आप उसको डायरेक्टली लिंक करें। तो एक वो एक टर्मिनोलॉजी, एक पूरा प्रोसेस होता है, दैट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। सो यू डोंट वॉन्ट टू स्पेंड यू नो योर हार्ड एंड मनी ऑन बिल्डिंग बैकलिंक्स फॉर Amazon। यू विल जो नेचुरली एक्वायर हो जाए दैट इज फाइन, करेक्ट, बट जो आप चाहते हो उसके लिए आप अपनी साइट पे जाते हो। हाँ, इसमें एक चीज आप कर सकते हैं, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर ओनर है, जो प्रोडक्ट कंपैरिजन साइट्स होती हैं, रिव्यू साइट्स होती हैं, वहां पे आप अपने Amazon का स्टोर URL या Flipkart का स्टोर URL या Flipkart का पेज URL दे सकते हैं, दैट कैन हेल्प यू। Got it. बट जो जहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ लिंक बिल्डिंग कैंपेन होगा, गो फॉर योर ओन वेबसाइट। ओन वेबसाइट, सुपर, अमेजिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट कैन आई बी एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग फ्रॉम द SEO? अगर हम SEO कर रहे हैं तो कितना हम लोग ट्रैफिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है, लेकिन किसी व्यूअर का है और हमेशा व्यूअर्स के सराखों पे जो भी सवाल है। तो मैं इसका एक सिंपल आंसर देता हूँ। जब आप एड्स रन करते हैं तो आपको एक इंस्टेंट ट्रैफिक स्पाइक मिलता है, क्योंकि आप एड्स रन कर रहे हैं, जब तक आप एड रन कर रहे हैं लोग देख रहे हैं और आपको एक यू नो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्पाइक मिल रहा है। SEO में क्या होता है, अगर आपके पेजेस SEO ऑप्टिमाइज्ड हैं, फॉर एग्जांपल हमने जैसे ग्राफिक कार्ड का एग्जांपल लिया था, ट्रबल शूटिंग का था कि वो कितना कंपैरिजन गाइड्स थी, तो वो ऐसी सर्च क्वेरीज होंगी जो आज भी रेलेवेंट है, 10 दिन बाद भी रेलेवेंट थी, कुछ 1 महीने बाद भी होंगी, कुछ 2 महीने बाद भी होंगी। ठीक है, आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कॉन्टेंट को विद द टाइम,
बट वो सर्च क्वेरीज सर्च इंटेंट्स आज भी वैलिड थी कल भी होंगी, तो आपको एक पैसिव ट्रैफिक जो है वो ग्रेजुअली आता रहेगा। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता यही है कि कोई आपको नहीं पता यू नो कितने टाइम में वर्क करेगा, किसी के लिए एक महीने में बेस्ट रिजल्ट आते हैं, किसी के लिए छह महीने में आते हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, अपने सारी चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं, टेक्निकल को, ऑन पेज को, ऑफ पेज को, तो आप धीरे 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 देखोगे कि आपका ट्रैफिक गूगल एनालिटिक्स में पैसिवली इंक्रीज हो रहा है, पैसिवली आपका कन्वर्जन भी इंक्रीज हो रही है। Super, amazing. Next question is three important things to be on the top slots of the Google search. अगर Google search पे top रहना है तो ऐसी कोई तीन suggestion आपकी तरफ से छोटे में, short में। सबसे पहले आप 100% mobile responsive होने चाहिए। ठीक है। आपकी speed page की page load time आपका less than 2 seconds होना चाहिए। Okay. तीसरा जो product page का user experience है वो मोस्ट रेलेवेंट हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, वी कॉल इट एज अ यूआई, यूआई यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस शुड बी सेम, यूआई यूएक्स शुड बी सो ऑसम दैट कस्टमर शुड यू नो लाइक द प्रोडक्ट। दूसरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज हो गए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो गया, यूजर एक्सपीरियंस हो गया, कि आपके पास जो उस पेज पे बैकलिंक्स होने चाहिए, अदरवाइज आप रैंक कम करेंगे या आप उतना रैंक नहीं कर पाएंगे जब जा रहे हैं। टॉप वन या टू पे जा रहे हैं तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के एटलीस्ट बराबर बैकलिंक्स तो चाहिए ही चाहिए। सुपर। सो अभी जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज बैकलिंक, जो आपने पहले समझाया था, लेकिन अगर आप शॉर्ट में अगर समझा सके तो एक बार फिर से एकदम। बैकलिंक एक सिंपल सी बात है, मैंने अपनी वेबसाइट से एक यूआरएल अपने किसी प्रोडक्ट, अपने इन्फॉर्मेशन ब्लॉग में, प्रोडक्ट पेज पे, कहीं पे भी मैंने वो लिंक दिया है से क्रिश की वेबसाइट का, तो दैट विल काउंट एज अ बैकलिंक। बैकलिंक के जनरली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, दो रेलेवेंट टाइप्स होते हैं, फॉलो एंड नो फॉलो टाइप्स। फॉलो टाइप में गूगल जो है उसकी लिंक इक्विटी मेंटेन करता है और पास ऑन करता है। मतलब अगर मैंने गूगल, मैंने ये बोला तो मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा होता है गूगल को कि हाँ भैया फॉलो आ रहा है, तो मतलब ये एक रिलेशनशिप जेन्युइन है। नो फॉलो में जैसे आप नो फॉलो बैकलिंक्स आपको मिलते हैं कोरा पे, रेडिट पे, फेसबुक पे, जहाँ पे आप कोई भी लिंक छोड़ते हैं वो सारे नो फॉलो टाइप होते हैं। बट नो फॉलो लिंक्स, यू नो, नो फॉलो लिंक्स मतलब वहाँ पे गूगल, ये गूगल को ये एक्सप्लिसिटली बताया जाता है कि फेसबुक इज नॉट पासिंग इट्स ओन डोमेन लिंक इक्विटी टू एनी डोमेन। करेक्ट। तो इससे सिर्फ इससे डिस्करेज होने की बात नहीं होती, लोग कहते हैं कि सिर्फ फॉलो लिंक्स होने चाहिए, नो फॉलो लिंक्स होने चाहिए, बट इसका एक बेस्ट वे ये होता है कि अगर आपके पास नो फॉलो लिंक्स भी हैं तो आपके पास एक इनडायरेक्ट रेफरल ट्रैफिक भी आता है। करेक्ट। सो दैट ऑल्सो मीन्स कि आपको इनडायरेक्टली गूगल को ये भी पता चलता है कि लोग आपका पेज रेलिवेंट है एक सर्च इंटेंट के लिए, सो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू रैंक हाई। सो मैं अगर इसको ऐसा लूं कि जैसे नो फॉलो का, तो उसका तो ऑलरेडी ट्रैफिक ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कोरा में जाके मेरे ब्लॉग पोस्ट या कुछ भी डाल रहा हूं तो वहां से ज्यादा चांसेस है लोगों की विजिट करना है। करेक्ट। फॉलो से ज्यादा, राइट? हां हां करेक्ट। सो दैट इज मोर रेस्पेक्टिवली अच्छा है यानी। हां सुपर, गॉट इट गॉट इट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के दिन में ना सोशल सेलिंग का बहुत एक अच्छा नाम हो रहा है, सोशल सेलिंग इज अ वेरी पॉपुलर नाउअडेज, राइट? सो आपका क्या सजेशन एज एन एसईओ एक्सपर्ट सोशल सेलिंग के ऊपर? आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू ट्राई आउट। अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही आप सोशल सेलिंग से, जैसे आप बोलोगे आप मीशो के प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे, वहां पे आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, कन्वर्जन बढ़ाने का एक बेस्ट वे हो सकता है। तो सोशल सेलिंग्स को अगर आप थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में अगर समझा सके हर्ष जी, उसके बाद बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोशल सेलिंग का मतलब ये हो गया कि मैंने एक प्रोडक्ट है मेरी वेबसाइट का, मैंने जो एक वेबसाइट अपना से व्हाट्सएप पे कैटलॉग बिल्ड कर लिया, उसका एक कैटलॉग आगे किसी को शेयर किया, उसने किसी और को आगे शेयर किया और वो बिकना शुरू, मेरे को क्वेरी आई जनरेट हुई, मैं बिकना और वो बिकना शुरू हो गया। सो होता क्या है कि इसमें एक नेटवर्क प्ले करता है, तो फटाफट कई बार विजिबिलिटी या सेल्स अच्छे आती है आपको। बट फंडामेंटली आप देखोगे प्रोडक्ट तब भी वही सेल होगा जो प्रोडक्ट की कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करता होगा। वो बात आपको कई बार विजिबिलिटी एकदम से मिल जाती है क्योंकि आप एक टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंच जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि एसईओ का रोल खत्म हो गया इन में। इससे प्लस पॉइंट ये होता है, अगर आप हम इसको समझे, कि जिस साइट पे जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे, उस पेज पे क्लिक्स आएंगे, तो गूगल को पता, एटलीस्ट ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट पेज रेलेवेंट है। करेक्ट। सो सोशल सेलिंग विल हेल्प यू इनडायरेक्टली इन इम्प्रूविंग योर रैंकिंग्स। ओके,
और ऐसे भी मैं कह सकता हूँ कि सोशल सेलिंग में एक और फायदा अगर देखें कि आज जैसे कि अगर मैं एक रिसेलर हूँ कोई भी ब्रांड का, समझिए कि आपके ही ब्रांड का अगर मैं रिसेलर हूँ, तो मैं ये बेचूंगा, बिकेगा नहीं तो भी मैं बेचूंगा, तो मुझे ये एक्स्ट्रा एक कन्वर्शन मिल रहा है। करेक्ट, ओके, सुपर, अमेजिंग। तो सोशल सेलिंग आपके हिसाब से बहुत ही बढ़िया है आज के दिन में, एंड पीपल्स मस्ट एटलीस्ट ट्राई इट, राइट? हाँ, एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं, यू नो, होम मेकर्स हैं, जो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेवेन्यू चाहते हैं, उनके लिए आई थिंक एक प्लस साइड है ही है। बिजनेस ओनर्स के लिए भी एक उन्हें एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती है। तो मैं तो मानता हूँ कहीं कहीं से भी पैसा है आना चाहिए, आना जरूरी है, छोटा है बड़ा है पैसा आना चाहिए, सही फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। अमेजिंग। अब मेरा जो सवाल है वो बहुत ही अमेजिंग है कि हमने बैक लिंक के ऊपर बात किया, लेकिन उससे मुझे ये जानना है कि हम लोग रेगुलरली ब्लैक लिंक के नए नए गेन्स कहाँ से कर पाएंगे अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, क्या ऐसे टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं, एक या दो कुछ भी? तो आगे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहली बात तो अगर इसको मैं एक पॉइंट में कहीं से भी समझा सकूं, अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपको आप चाहते हो कि रेगुलरली बैकलिंक्स आए, तो पहली बात आप रेगुलरली एक अच्छा कंटेंट पीस हमेशा क्रिएट करिए, डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी आपके पास चल के नहीं आएगा कि भाई मेरे को बैकलिंक दे, वो दे रहे, करेक्ट है ना? तो आपको क्या है, आपको यूजर्स को एक वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, एक इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करिए या इन्फोग्राफिक क्रिएट करिए, वीडियो क्रिएट करिए, आप कुछ भी कॉन्टेंट क्रिएट करिए, उसके बाद आप दूसरे लोगों को के पास जा पाएंगे, बोल पाएंगे कि सर मेरे को बैकलिंक चाहिए। आपका कंटेंट इतना अच्छा होगा, हाई क्वालिटी होगा, तो ऑटोमेटिकली आएंगे, ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स आएंगे ही आएंगे। बट जब तक आप वो हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं क्रिएट करोगे तो आएंगे ही नहीं। सो हाई क्वालिटी कंटेंट इज द टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट टू गेट कंसिस्टेंट। सो अगर हर्ष मैं पूछूं अभी आपको कि जैसे YouTube के वीडियोस है जो, ठीक है, मैं आपसे खाली एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास जो हमारे कोर्सेज है Amazon के ETS कोर्सेज सब है, तो यहां से हमारे पास ट्रैफिक कॉल्स आते हैं कि जहां से कि इस वेबसाइट से देखा, उस वेबसाइट से देखा, तो ये ऑटोमेटिकली अगर कॉन्टेंट अच्छा डेवलप हो रहा है तो कोई भी हमें कर रहा है। करेक्ट। जैसे कि आपका आप सपोज करो कोई एसेंशियल ऑयल बेच रहे हैं, तो आपका एक एसेंशियल ऑयल का यू नो एक लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, यूज है, सोशल रिकॉल हो गई। सो देयर आर अदर ब्लॉगर्स, अदर रिव्यूअर्स आउटसाइड द वर्ल्ड जो सिर्फ यही करते हैं, वो आपका प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली पिक करेंगे, रिव्यू करेंगे, प्रोडक्ट कंपैरिजन साइट्स है, वो आपके प्रोडक्ट को पिक करेंगी, यू नो लाइक करेंगी। थोड़े बहुत टैक्टिक्स ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए होते हैं कि यार आप कूपन साइट्स पर अपने प्रोडक्ट सबमिट करो, कंपैरिजन साइट्स पर सबमिट करो, सो दैट एक इनडायरेक्टली बैकलिंक्स वगैरह क्रिएट हो जाए। ओके, बट थंब रूल यही है कि क्वालिटी कंटेंट हैज़ टू बी देयर। सुपर सुपर अमेजिंग। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट हाउ डू आई मेजर द एसईओ सक्सेस? हमने एसईओ कर लिया, बैकलिंक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आफ्टर ऑल व्हेन वी कैन टेल इट दैट इट इज अ सक्सेस लेवल, लाइक कहां तक, किस लेवल पे? सर देखो, मेजर सबसे बड़ा लोग आंसर देते हैं इसका, मेरे पास धंधा बढ़ेगा तो मेरा सक्सेस हो जाएगा, नहीं तो नहीं कर रहा। बट ऐसा नहीं है, इसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हैं स्पेंड करना, आप एक पहले आप पहली बात आप कम से कम 6 महीने का प्लान लेके चलिए एसईओ के, अगर आपको रिजल्ट मेजर करने हैं। अच्छा, आप कभी भी उसको शॉर्ट टर्म गोल्स की तरह मत देखिए, एसईओ इज अ लॉन्ग रेस, इज अ मैराथन। Okay. आपको इसको एक लॉन्ग टर्म 1 साल 6 महीने से 1 साल का प्लान बनाना चाहिए पहली बात तो, और तभी उसके बाद आपको एक रिजल्ट इसके मेजर करने चाहिए। मेजर क्या करना है आपको, आपको पेज व्यूज मेजर करने हैं, आपको जो है इम्प्रेशंस मेजर करने हैं, क्लिक्स मेजर करनी है, आपको रैंक मेजर करनी है कितनी क्या आ रही है, आपको बैकलिंक्स मेजर करने हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम KPIs बोलते हैं, कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। बट उससे पहले आप 6 महीने साल से पहले तो आप कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। क्या मेजर करना है आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे कि अगर आपका कंसिस्टेंट ग्रोथ है ट्रैफिक में, क्लिक्स में ग्रोथ है, इंप्रेशंस में ग्रोथ है, तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू भी बढ़ ही रहा होगा। इट शुड ग्रो। अगर नहीं बढ़ रहा तो दैट मीन्स कि या तो आपकी वेबसाइट बहुत क्रम्बल कर रही है, कहीं कुछ एक यू नो लॉजिकल प्रोसेस फ्लो में कुछ एक कमी है, अदरवाइज इट विल इम्प्रूव। हो सकता है ट्रैफिक आपका 50-100% बढ़ा हो, सेल्स आपकी 30% बढ़ी हो, दैट कैन बी देयर। ऐसा नहीं है कि सेम प्रोपोर्शन में ही सेम कन्वर्जन रेशियो थोड़ा सा देखना पड़ता है, करेक्ट। तो बट आपका आपको ये मान के चलो जब तक आप करेक्ट टाइम नहीं दोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, एसईओ में भी कंसिस्टेंसी की, तब तक आप नहीं कर पाओगे। सुपर अमेजिंग।
तो आपका कहना यही है कि भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% ही हो गया, अगर आप लास्ट टाइम पे अगर 10% पे अभी 20% पे, इट्स मीन देयर इज अ सक्सेस इन दिस, सक्सेस है, आपने कितने एफर्ट डाले आपको वो भी बताना चाहिए ना। करेक्ट 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 भाई, अगर आपने एफर्ट ही नहीं डाले हैं तो वो एसईओ भी एक बहुत ग्रेजुअली इंप्रूव होगा। आपने डेडिकेटेड एसईओ एक्सपर्ट रखा हुआ था, वो बिल्ड कर रहा था क्वालिटी कंटेंट टीम की, कंटेंट पर काम कर रही थी, तो ऑब्वियसली यू विल गेट लॉट ऑफ विजिबिलिटी एंड लॉट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, सुपर। अब आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एसईओ टूल्स आते हैं हर्ष महाजन या ऐसे कौन से एसईओ एक्सपर्ट्स हैं जो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, माइट बी फ्री और पे। देखो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ओके, फ्री है और मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं आपकी वेबसाइट में। ठीक है, इसके अलावा एज एन एजेंसी वी यूज सेमरश, वी यूज एचरेफ्स, वी यूज मोज एज वेल। तो हम सारे टूल्स जो, क्योंकि हर एक एक टूल की अपनी एक कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं, बट वी डू यूज लॉट ऑफ टूल्स टू यू नो गेट द डेटा, गेट द इनसाइट्स। बट एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर, अगेन गूगल एनालिटिक्स, गूगल ट्रेंड्स, गूगल सर्च कंसोल इज मोर देन सफिशिएंट। सुपर, अमेजिंग। तो इसका मतलब आपके हिसाब से है कि अगर नॉर्मल पर्सन अगर कर रहा है एसईओ तो आप गूगल एनालिटिक्स को कर रहे हैं रिकमेंडेशन और कंसोल को आप कर रहे हैं, राइट? गूगल सर्च कंसोल यूज करिए, गूगल एनालिटिक्स देखिए, और एक गूगल एड सर्च में कीवर्ड प्लानर होता है, वो भी फ्री होता है, आप वो यूज करिए। तो सिर्फ गूगल कीवर्ड प्लानर लोकल एसईओ में ज्यादा काम आता है, अदरवाइज एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन ऑल दिस टूल्स, तो आपके लिए मल्टी मोडल सफिशिएंट है। ठीक है, सो बेसिकली अभी तक हमने जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछा, सब कुछ किया, वो एक लोकल एसईओ यानी एसईओ के बारे में हमने पूछा जनरली, लेकिन अब मैं आपसे थोड़े सवाल करना चाहता हूँ वो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स और अमेजोन को रिलेटेड है। ठीक है,